मांग जस्टिस, पूरी मांग जस्टिस, हमारी मांग पूरी करो, हमारी प्रेस पूरी मांग जस्टिस, पूरी मांग जस्टिस, 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 हमारी मांगे पूरी करो, जस्टिस, पूरी मांग जस्टिस। सर दुकानें बंद कीजिए, हमारी 30,000 फैमिलीज है तो हम जी। सर मेरा नाम मोहम्मद सलीम मीर है, हम मटन होलसेल एंड रिटेलर्स यहाँ पे बहुत है। तो क्या डिमांड्स है, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? डिमांड्स इसलिए कि पिछले एक महीने से हमारी दुकानें बंद है, 480 रुपए का रेट दिया है डायरेक्टर साहब ने हमें, जो कि वहाँ से हमें फरोख्त नहीं होता है। तो हमारी दुकानें पिछले एक महीने से बंद है, तो हमारी फैमिलीज़ जो डायरेक्टर साहब ने कल बोला था कि 20 दुकानें ऐसी है जो 480 रुपए में गोश्त फरोख करते हैं, लेकिन सर ये 20 दुकानों का मसला नहीं है, हमारी 30,000 फैमिलीज़ इस काम पे डिपेंड करती है। तो 30,000 का सोचिए, 20 दुकानों से नहीं है। अगर डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि अगर आपको वारा नहीं है तो आप अपनी दुकानें बंद रखिए, तो हमें दूसरा कोई काम दीजिए, हम दूसरा काम कोई करेंगे, फिर हम ये काम नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, अगर कि हमें बाहर से माल इस रेट पे नहीं मिलता है, वो बोलते हैं हमारे पास 80,000 के यूनिट्स चीप हस्बेंड्री के हैं, तो उनमें से हमें माल दीजिए, हम वही फरोख्त करेंगे, गवर्नमेंट जो हमें देगी हम वही देंगे। जबकि हमने अपने आदमी को भी भेजा है कोकरनाग से गए हुए, बहुत सारे कोकरनाग से गए हुए शीप एंड हस्बेंड्री के पास, उन्होंने बोला हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास एक एक नग 4-4 लाख रुपए का है, हम ये नहीं देख सकते, हम ये नहीं देख सकते उनका वीडियो भी हम और ये कसाईयों को बेचने के लिए हमारे, हमने गवर्नमेंट से बोला हम खाली साल में 2 बार इसका ऑक्शन करेंगे, वो भी बकरा ईद पे और मीठी ईद पे, यानी कि रमजान की ईद पे, 2 ईद पे। तो हमारी फैमिली अब कहाँ जाए, हम करें क्या, हम बेकार बैठे हुए, बेकार बैठे हुए हमारी फैमिली है, हमारे घर है, हमारे बच्चे, हम कहाँ जाए फिर सर। और एक मुद्दा हमारा खाली इतना रिक्वेस्ट है, अगर इनके पास 80,000 सॉरी सर यूनिट्स है इनके पास, तो अगर वो एक एक नग भी फरोख करेंगे ना हमें, एक एक नग अगर 80,000 नग आएंगे एक, वो तो एक महीने के लिए हमारे पास काफी है।